ग्यारह स्थानों पर जहाँ से काफी लोग उत्सुक हैं लड़ने के लिए, हमारे कार्यकर्ता और कई जो जिम्मेदार किस्म के लोग हैं हमारे प्रत्याशी बनने के लिए उत्सुक हैं, तो हम लोगों ने अभी 11 सीटों का अभी वो है जहाँ हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। वो सीटें हैं तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये चारों जगह सीमांचल के हैं। यहाँ चारों जगह पर हम लोग अपना कैंडिडेट उतार रहे हैं, दरभंगा में उतार रहे हैं और मुजफ्फरपुर में, उजियारपुर में, काराकट में, बक्सर में, गया में और भागलपुर में। एक बड़ा आरोप हम लोग पर रहता था कि भाई सब हम लोग कांग्रेस के खिलाफ लड़ते हैं। आप देख लेंगे ये जिन जिन चीजों का हमने किया, चाहे उजियारपुर को देख लीजिए, काराकट को देख लीजिए, दरभंगा को देख लीजिए, हम लोग जहाँ बीजेपी, जदयू और कांग्रेस और शायद मुमकिन है कि राजद का तो कोई है नहीं, तो हम लोग ये तीनों जो हम वर्तमान में हैं उनके खिलाफ हम लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। हमारा मामला यही है कि सेकुलर समाज बने और दलितों और अकलियतों को मान और सम्मान बने, सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर इनका शोषण और दोहन होता नहीं रहे। बिहार की जो जाति आधारित गणना आई है उसने चौंका दिया है लोगों को कि इन दलितों ने और मुसलमानों ने हमेशा लोगों को वोट दिया लेकिन उसकी हिस्सेदारी कभी नहीं तय की, जिसके नतीजे में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी अत्यंत कम है। जाहिर है कि दलितों और अकलियतों के इस नाइंसाफी के खिलाफ तो हमारा एक मजबूत लड़ाई लड़ना हमारे लिए जरूरी है, इस वजह से पार्टी ने फैसला किया है। सर, किन्हीं पार्टी से सर गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हमारी एक दो पार्टी से भी बात चल रही है और वो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से हैदराबाद कई कई जगह के लोग गए हैं। हम लोगों ने कहा कि जो कुछ भी हमारी पॉलिसी बनेगी, लेकिन हमारा मामला चूंकि वहां से तय होता है, तो अभी कई जगह के जो प्रत्याशी लोग हैं वो लोग हैदराबाद गए हुए हैं और एलायंस के सिलसिले में बात चल रही है। सर, 11 सीटों पर प्रत्याशी भी चालू हो जाएंगे? नहीं, प्रत्याशी का मामला अभी अंडर कंसिडरेशन है, लेकिन ये है कि सीटों के बारे में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है। सर, प्रदेश अध्यक्ष किशनगंज के लोकसभा सीटें चुनाव जी, मेरा तो ऐलान भी कर दिया है पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन। किशनगंज के अलावा और भी प्रत्याशी की घोषणा हुई? नहीं, घोषणा तो मैंने कहा ना कि इन इन सीटों का चयन हुआ है, इन इन सीटों का चयन हुआ है, अब प्रत्याशियों का चयन होगा। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा